धे जय श्री कृष्णा वेलकम बैक टू तो माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और देखिए मैं आप सबके लिए जो है मकर संक्रांति के लिए बहुत ही प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत सी जो है फ्लावर पैटर्न के अंदर लड्डू गोपाल की ये ड्रेस जो है लेकर आई हूँ आपने देखा होगा विंटर्स के अंदर जो है ये वाले फ़्लावर बहुत ज़्यादा जो है नर्सरीज़ में मिलते हैं बहुत ही ख़ूबसूरत ये फ्लावर लगते हैं इसका नाम क्या है इस फ्लावर का वो तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत ही ख़ूबसूरत फ्लावर होता है ये विंटर्स में ही आता है तो आज की ड्रेस के अंदर हमने इन्हीं फ्लावर को जो है बनाकर कंप्लीट किया है और वैसे तो ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली थी लेकिन आ, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से जो है ठीक नहीं चल रही है मुझे थोड़ा सा फीवर भी आया हुआ था आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम क्या सकरात की आ, ड्रेस नहीं डालोगे तो मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी से इस मतलब इस वीडियो को बनाऊं और डाल दूं हालांकि उसको करते करते भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया तो उसके लिए सॉरी तो ये ड्रेस जो है हम आज की वीडियो में देखिए बनाकर कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जो है इन फ्लावर्स को कैसे बनाकर कंप्लीट किया है बिल्कुल थ्री डी इफेक्ट वाले फ्लावर है देखिए ये भी बिल्कुल एक थ्री डी इफेक्ट देते हैं और बॉर्डर कैसे बनाना है ये फ्लावर कैसे बनाने हैं और फ्लावर को बनाने से पहले हमने जो है ग्रीन कलर की इस तरह की चेन बनाई है तो वो कैसे बनाकर कंप्लीट करनी है वो सब हम देखेंगे चोली कैसे बनानी है चोली का बॉर्डर कैसे बनाना है और ये हम घेरा जो हम घेरा तो बनाकर कंप्लीट करते हैं इन सब की जो है सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड है तो आप वहाँ से देख इन तीनों चीज़ों को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सिंपल आपको ये फ्लावर्स वगैरह बनाकर जो है ड्रेस में कंप्लीट करने हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई जल्दी तो मैं इसकी जो है स्मॉल साइज़ की भी वीडियो बता दूंगी वैसे तो बहुत सिंपल रहेगा स्मॉल साइज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं है स्मॉल साइज़ के अंदर जो हमने ये ऊपर की तरफ दो दो फ्लावर लगाए हैं ये डिज़ाइन नहीं आएगा सिर्फ नीचे वाला डिज़ाइन आएगा तो मैं आपको यहीं पे बता दूँ अगर आप स्मॉल साइज़ के अंदर सकर्रात तक बनाना चाहते हैं इस ड्रेस को जैसा मैंने कहा अगर मैं ठीक होगी तो मैं अपलोड ज़रूर करूँगी और अगर अभी तबीयत ठीक नहीं है जैसा मैंने आपको कहा अगर नहीं कर पाई तो मैं आपको बता रही हूँ स्मॉल साइज के अंदर सिर्फ आप अपनी फ़र्स्ट लाइन वाली ये जो फ़र्स्ट लाइन मैंने आपको दिखाई है कैसे बनानी है सिर्फ यही बनाए क्योंकि यही बन पाएगी और बॉर्डर बन जाएगा तो आपकी स्मॉल साइज़ के अंदर भी बहुत खूबसूरत ये ड्रेस बनकर कम्प्लीट हो जाएगी और इसकी पगड़ी अगर मैं स्मॉल साइज़ में बना पाई तो मैं इसकी पगड़ी भी बता दूंगी कि आपको कैसे बनानी है बाकी चैनल पर जो है पगड़ी का बेस कैसे बनाकर कंप्लीट करना है इसकी सेपरेट वीडियो भी अपलोड हो चुकी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से देखकर आप इसकी मैचिंग की जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं पगड़ी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हमें जो है लड्डू गोपाल की इस खूबसूरत सी फ्लावर पैटर्न की इस ड्रेस को जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करना है तो यहाँ पर देखिए इस खूबसूरत से डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है इसकी चोली चोली का बॉर्डर और ये जो हम नीचे का बेस बनाकर कंप्लीट करते हैं ये तीनों चीजें बनाकर कंप्लीट करनी होगी और इन तीनों चीज़ों की जो है चैनल पर सेपरेट वीडियो अपलोड है तो आप वहाँ से देकर जो है चोली बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं चोली का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं और ड्रेस के नीचे का ये जो हमने घेरा बनाकर कंप्लीट किया है इसको बनाकर कंप्लीट कर ले जिस भी साइज़ का आपको बनाना है और यहाँ पर जो है हमने पाँच से छः नंबर के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस है और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सभी जानते हैं के मैं पाँच से छः नंबर के लड्डू गोपाल के लिए इस घेरे को यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात पफ तक जो है इंक्रीज करते हुए बनाकर कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद जो है हम इसका सबसे पहले तो देखेंगे हमने बॉर्डर कैसे बनाकर कंप्लीट किया है ये आप कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं आपको करना क्या होगा ये देखिए पफ के कॉर्नर पर यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह से डबल करोशिया बनाएंगे सिंपल है एक दो तीन तीन की चेन लेंगे और नीचे की देखिए ये जो दो लाइनें होती हैं इनको पिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से दो है दो से एक करेंगे ये पर्ल बनाकर कंप्लीट करेंगे और ये इस चेन के अंदर हमें पांच बार बनाना है तो धागे को देखिए लेंगे और वापस यहाँ पर दोबारा डबल की रोशिया बनाएंगे ये दो हो गए एक दो तीन तीन की चेन लेंगे और नीचे की देखिए दो चेन को इस तरह से पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे दो हो गई ये तीसरी बार डबल करोशिया बनाएंगे और पर्ल बनाएंगे तो बस आपको यही याद रखना है कि आपको एक चेन के अंदर पांच बार इस तरह से जो है डबल करोशिया बनाना है ऊपर की तरफ तीन की चेन बनानी है और नीचे की दो लाइनों को पिक करते हुए आपको जो है ये पफ ये पर्ल बनाकर कंप्लीट करना है देखिए लास्ट वाला हमारा ये डबल क्रोशिया है एक दो तीन तीन की चेन लेंगे और नीचे की दो चेन को देखिए पिक करेंगे और दो है दो से एक करेंगे और तो ये आपको जो है बॉर्डर कुछ इस तरह से नजर आएगा ड्रेस के अंदर इसको बनाने के बाद आगे वाली जो हमारी चेन होगी उसके अंदर सिंगल करोशिए से कनेक्ट करेंगे तो देखिए एक चेन के अंदर तो हमें बनाना है उससे नेक चेन के अंदर हम कनेक्ट करेंगे और उससे आगे वाली चेन के अंदर जो है फिर से हम इसी तरह से पांच बार डबल करोशिया बनाएंगे और नीचे के दो लूप को इस तरह से पिक करेंगे दो हैं दो से एक करेंगे तो सिंपल आपको इसी तरह से जो है पूरी ड्रेस के अंदर अपने इस बॉर्डर को जो है बनाकर कंप्लीट करना होगा तो यहाँ पर देखिए तीन बार हमने बना लिया है तो बहुत आसान है इस बॉर्डर को बनाना और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये कि किसी भी ड्रेस के अंदर आ, आप इस बॉर्डर को बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए चार और ये लास्ट है हमारा वही डबल रोशिया बनाएंगे सिंपल एक दो तीन तीन की चेन लेंगे नीचे की दो चेन को पिक करेंगे दो है दो से एक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से बॉर्डर बनता हुआ जाएगा फिर हम नेक्स्ट चेन के अंदर जो है इसको इस तरह से सिंगल करोशिये से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है मेरा बॉर्डर बनकर कंप्लीट है कंप्लीट होने के बाद जो हमने फर्स्ट वाला जो है बॉर्डर बनाया था वहीं पर नीचे की तरफ जो है एक बार इसको सिंगल कि रोशिए से कनेक्ट करते हुए जो है हम इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो ये जो है हमारा ड्रेस में बॉर्डर बनकर इस तरह से जो है कंप्लीट होगा तो आप भी अपनी पूरी ड्रेस में जो है इस तरह से बॉर्डर बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर ले इसको बनाने के बाद अब हम देखेंगे ये जो हमारे देखिए पार्ट बनकर कंप्लीट होते हैं ये हमारे पास है छः नंबर के ड्रेस के अंदर आठ पार्ट बनकर कंप्लीट होते हैं इस तरह से और जिसके अंदर हमने नीचे की तरफ ही आपको नज़र आ रहा होगा एक फ्लावर देखिए नीचे की तरफ बनाया है और बाद में दो दो फ्लावर हमने ऊपर की तरफ इस तरह से बनाए हैं तो अब हम देखेंगे कि हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पर देखिए मेरा ग्रीन कलर जो है कंटिन्यू है और आपको ऐसे ही करना है कहीं पर भी जो है जैसे अब हम बनाएंगे तो उसको कट नहीं करना कंटिन्यू आपको बनाना है तो देखिए ये हमने कैसे बनाया है वो हम देखेंगे तो आपको सिंपल क्या करना होगा जो हम ड्रेस बनाते हैं ये देखिए चोली के नीचे चोली के नीचे ये हमारा एक पफ होता है इस एक पफ के कॉर्नर पर ये देखिए कॉर्नर पर ये जो हमारा पफ है यहाँ कॉर्नर पर हम सिंपल इसको अपने ग्रीन कलर को जब आप बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर लें कनेक्ट करने के बाद एक की चेन लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे इसी कॉर्नर पर हम तीन बार धागे को निकालेंगे देखिए जो हमारा एक पफ बना हुआ है स्टार्टिंग में चोली के वहाँ पर जब हम घेरा बनाना शुरू करते हैं कनेक्ट करने के बाद एक दो तीन इस तरह से तीन बार आपको जो है धागे को निकालना होगा अपने इसमें से ग्रीन कलर को और देखिए धागे को साइड में होल्ड करेंगे सब में से निकालेंगे होल्ड करें धागे को यहाँ देखिए पिक करेंगे साइड से दो हैं दो से एक करेंगे फिर एक की चेन लेंगे और इस पफ के ठीक ऊपर अब हम अपना दूसरा पफ बनाएंगे तो जो हम एक ही चेन लेते हैं वहाँ पर देखिए हमारा इस तरीके का एक होल आता है ये देखिए इजीली हमारा क्रोशिया जा रहा है तो यहाँ पर आपका आसानी से सेकंड पफ बन जाता है धागे को लेंगे और यहाँ से फिर एक दो तीन इस तरह से दूसरा पफ बनाएंगे तीन बार धागे को क्रॉस करेंगे धागे को देखिए साइड में इस तरह से होल्ड करेंगे सब में से निकालेंगे होल्ड करें धागे को पिक करेंगे दो है दो से एक करेंगे तो हमें सिर्फ एक पफ के ठीक ऊपर इस तरह से दूसरा पफ यानी दो पफ बनाने हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे ये देखिए एक पफ के ठीक ऊपर जो हमारे दो पफ बने हुए हैं यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पफ है इसके ठीक ऊपर हमारे एक दो दो पफ है और यहाँ पर आपको जो है इस तरह से एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा ये देखिए इस तरह से एक फ्लावर बना हुआ कंप्लीट नजर आ रहा होगा तो ये जो फ्लावर बना हुआ है ये हमारे दो पफ जो एक पफ के ऊपर बने हुए हैं वहाँ पर है तो इस फ्लावर के सेंटर में इस तरह से सेंटर में हम इस तरह से अपने धागे को कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये जो है इस तरह से ये दो पफ हमारे इस तरह से आ जाएंगे यानी हमें जो है एक वी बनाकर कंप्लीट करना है ग्रीन कलर से तो अभी जो है हमारी साइड की लाइन आई है अब इसको देखिए वी बनाने के लिए हम क्या करेंगे जब हमने इसको फ्लावर के सेंटर में कनेक्ट कर दिया है तो धागे को लेंगे और कनेक्ट करने के बाद जहाँ पर कनेक्ट किया है वापस वहाँ पर हम इसी तरह से जैसे अभी हमने दो पफ बनाए हैं सेम ऐसे ही हमें फिर से यहाँ पर पफ बनाना है ये देखिए हमने तीन बार धागे को निकाला इस तरह से और धागे को होल्ड करेंगे समय से निकालेंगे होल्ड कर धागे को पिक करेंगे दो है दो से एक करेंगे एक की चेन लेंगे फिर इस एक पफ के ठीक ऊपर हम अपना दूसरा पफ बनाएंगे एक दो और ये तीन धागे को देखिए होल्ड करेंगे समय से निकालेंगे होल्ड कर धागे को पिक करेंगे दो है दो से एक करेंगे एक की चेन लेंगे तो देखिए फिर हमारे दो पफ की लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी और अब इसको जो है देखिए इस तरह से रख कर भी आप देख सकते हैं कि हमें मैंने जैसा कहा वी बनाना है तो देखिए इस तरह से ये हमारा एक तरीके से वी बनता है और इसको कनेक्ट हम कहाँ करेंगे वहीं पर जहाँ पर हमने एक पफ़ के ऊपर कॉर्नर पर स्टार्ट किया था वहीं नीचे की तरफ ये जो हमारा एक पफ है देखिए एक पफ का दूसरा कॉर्नर है एक कॉर्नर पर तो हमने कनेक्ट किया था और जो हमारा दूसरे वाला कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से जो है कनेक्ट करेंगे और सिंगल की रोशिये से कनेक्ट करेंगे तो ये जो आपको बनाना है ये नीचे की तरफ ऐसे ही बनाना है तो मैंने आपको बता दिया और उसके बाद जैसा हमारा धागा कंटिन्यू था यहाँ पर देखिए जब मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर भी हमारा ही कंटिन्यू है लेकिन मैं बना चुकी हूँ तो जब आप बनाना शुरू करेंगे तो जब आपने एक बना लिया तो इसको कट नहीं करेंगे धागे को फिर आप अपने सेकेंड वाले पार्ट के अंदर सेम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे धागे को और कनेक्ट करने के बाद हर पार्ट के अंदर नीचे की तरफ इस तरह से जो है ग्रीन कलर से वी बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे की तरफ हमने वी कैसे बनाया है और आप अपने पूरे घेरे के अंदर सबसे पहले ग्रीन कलर का ये पार्ट बनाकर कंप्लीट कर, कर लें उसके लास्ट में फिर हम फ्लावर वर्क करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा पहले ग्रीन कलर का वर्क फिनिश कर ले सारा मैंने ऐसे ही किया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये जो आपको दो फ्लावर नज़र आ रहे हैं यानी एक फ्लावर जो हमने ग्रीन कलर का पार्ट बनाया उसमें तो हमारा एक फ्लावर है और ऊपर की तरफ़ हमारे दो फ्लावर इस तरह से आएंगे इस एक फ्लावर के जस्ट ऊपर तो इस दो फ्लावर के लिए हमें ऊपर की तरफ़ ग्रीन कलर से दो वी बनाने होंगे वो हम कैसे बनाएंगे अब हम वो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने बनाना शुरू किया है ये हमने शुरू किया है ऊपर की तरफ अगर आप पास से छः नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक दो तीन चार यानी चार पफ बने हुए हैं यानी एक पफ बनाते हैं जब हम घेरा बनाते हैं तो एक पफ एक के ऊपर दो पफ दो के ऊपर तीन पफ और तीन पफ के ऊपर चार पफ यानी हमने फोर्थ पफ की जो लाइन थी वहाँ से कनेक्ट करते हुए अपना ग्रीन कलर का सेकंड पार्ट बनाना शुरू किया है अगर आप इससे भी बड़े लड्डू को के लिए इस ड्रेस को बना सकते हैं तो आप अपने हिसाब से भी इसको बनाकर जो है कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको कितने गैप के ऊपर जो है ये वाला पार्ट बनाना है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप थोड़े थोड़े गैप पर भी बना सकते हैं अगर बड़ी ड्रेस है जैसे मैं चार पर बना रही हूँ तो आप छः सात पफ से भी जो आपकी छः पफ की लाइन होगी सात पफ की लाइन होगी वहाँ से भी इसको बनाना शुरू कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसको ईजिली किसी भी साइज़ में बना लेंगे तो यहाँ पर भी देखिए हमारा ग्रीन कलर का वर्क जो है कंटिन्यू है हमने इसको कट नहीं किया जैसे मैंने कहा आपको कट नहीं करना है तो जो हमारे फोर्थ पफ की जो लाइन है वहीं पर कॉर्नर पर सेम तरीका रहेगा देखिए इस तरह से सबसे पहले कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करने के बाद एक की चेन लेंगे और उसके बाद फिर वही करेंगे यानी तीन बार धागे को निकालेंगे एक दो और ये तीन धागे को साइड में होल्ड करेंगे समय से निकालेंगे ये देखिए होल्ड करे धागे को यहाँ से पिक करेंगे दो हैं दो से एक करेंगे वापिस एक की चेन लेंगे और इसे एक पफ के ठीक ऊपर हम अपना सेकेंड वाला पफ बनाएंगे तो ये हमने तीन बार धागे को वापस निकाला साइड में होल्ड करेंगे समय से निकालेंगे होल्ड करे धागे को पिक करेंगे दो हैं दो से एक करेंगे एक की चेन लेंगे और इसको भी हमें ऐसे ही जो है कनेक्ट करना है तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से तो हमारा ये जो पफ ये जो हमारा वी बनेगा ना ये आपको एक ध्यान देना होगा हमने जब फर्स्ट पफ में कनेक्ट किया था तो सेकेंड पफ के ऊपर हमारा एक फ्लावर नज़र आ रहा था वहाँ हमने कनेक्ट किया था इसी तरह जब आप फोर्थ वाले पफ की चेन में इसको कनेक्ट करेंगे तो फिफ्थ वाली लाइन के अंदर देखिए यहाँ पर भी आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा क्लियर ये हमारी फिफ्थ वाली लाइन है ये देखिए इस तरह से आपको फ्लावर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये वाला इसी तरह से यहाँ फ्लावर के सेंटर में हम दोबारा से जो है इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी लाइन जो है वी बनानी है तो आप इस तरह से रख कर भी देख सकते हैं और फिर वही करेंगे फिर हम यहाँ पर अपना तीन बार धागे को निकालेंगे पफ बनाएंगे तरीका वही रहेगा बस हमने यहाँ पर दो वी बनाए हैं दो फ्लावर बनाने के लिए तो ये देखिए इस तरह से फिर हम इस पफ के ठीक ऊपर अपना सेकेंड वाला पफ बनाएंगे कंप्लीट करेंगे और कनेक्ट देखिए फिर वही करेंगे फोर्थ लाइन के अंदर तो देखिए इस तरह से रख कर भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर इस तरह से फर्स्ट पफ में हमने स्टार्ट किया था और ये सेकेंड पफ ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट पफ के कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था और ये जो है हमारे सेकेंड वाले पफ का कॉर्नर है तो यहीं पर जो है हम इसको इस तरह से वापस सिंगल किरोशिये से कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे फिर वापस कनेक्ट करने के बाद इसी के अंदर हम अपना फिर से धागे को जो है तीन बार निकालेंगे और अपना यही दो बार पफ बनाएंगे तो आप देखिए फिर इस पफ को ये ऊपर एक और पफ यानी दो पफ बनाकर इसको कंप्लीट कर लें तो देखिए हमने जो है दो पफ बना लिए हैं वापस और फिर आपको जब इस तरह से रखेंगे इस तरह से रख कर देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर वही फ़िफ्थ लाइन के अंदर यहाँ पर देखिए ये फिफ्थ लाइन में हमने कनेक्ट किया था इसी तरह से जब आप रखेंगे तो फिफ्थ लाइन के यहाँ कॉर्नर पर फिर हम इसको इस तरह से सेंटर में कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करने के बाद वापस हम यहाँ पर अपने दो पफ बनाकर जो है कंप्लीट कर लेंगे फिर देखिए फिर से ये जो है हमारा एक पफ बन गया और इसके ऊपर हम अपना सेकंड वाला पफ बनाएंगे और ये देखिए इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इसको नीचे वापस फोर्थ पफ की लाइन के अंदर ही देखिए इस तरह से फोर्थ पफ की ये जो हमारी लास्ट uh, वाला फोर्थ पफ होगा वहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिए से जो है इसको कनेक्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया कि आपको नीचे की तरफ से एक वी कैसे बनाना है इस पार्ट के अंदर और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि दो वी आपको कैसे बनाकर कंप्लीट करने हैं देखिए इस तरह से हमारे ये वी बनेंगे और इसी के अंदर जो है हमारे ये फ्लावर बनकर कंप्लीट होंगे अब हम देखेंगे कि हमें फ्लावर कैसे बनाकर जो है इसके अंदर कंप्लीट करना है तो यहाँ पर देखिए जो हमने इसको ऊपर की तरफ कनेक्ट किया है इस तरह से यहाँ पर तो आपको यहाँ से जो हमने चेन देखे कनेक्ट करते हुए यहाँ पर ली है सेंटर में से देखिए सेंटर के अंदर से लेंगे क्योंकि मतलब यहाँ पर हमारे जो है हाफ़ डबल क्रोशिए के आ, जो है पांच चेन तो ऊपर की तरफ बनेंगे और पांच नीचे की तरफ से जो चेन होगी आपको उसके बीच में से देखिए इस तरह से लेना होगा जिससे आप इजीली इसको बना सके ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम अपना येलो कलर यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे एक की चेन लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम हाफ़ डबल की रोशिया बनाएंगे पांच बार धागे को लेंगे और इस चेन के अंदर इस तरह से निकालते हुए ये देखिए तीन है तीनों में से एक साथ निकाल देंगे इसको हाफ डबल की रोशिया कहते हैं तो एक तो हमने जैसे एक की चेन ली थी और कनेक्ट किया था तो एक तो साइड की हमारी वो हो गई एक हमने बनाई ये दो हो गई उसके बाद जो है वापस यहाँ पर इसी तरह से हाफ डबल की रोशिया बनाएंगे तीन चार और ये पाँच तो ये देखिए पांच बार हमने ऊपर की तरफ हाफ़ डबल की रोशिया बना लिया है और जैसा मैंने कहा पांच बार हम बनाएंगे नीचे की तरफ से तो देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे धागे को लेंगे और जैसा मैंने कहा चेन के सेंटर में से आपको इसको लेना होगा तो देखिए जो नीचे वाली चेन होगी इस तरह से नीचे से धागे को निकालेंगे और पांच बार दोबारा हाफ डबल की रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पाँच तो ये देखिए पाँच बार बनाया तो ये हमारा जो है सर्कल इस तरह से सेंटर का बनके कंप्लीट होगा पाँच बार हमने ऊपर की तरफ बनाया पाँच बार नीचे की तरफ और जो हमारी फर्स्ट चेन होगी वहाँ पर इस तरह से स्लिम स्टिच से कनेक्ट करते हुए हम अपना ये सर्कल बनाकर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरह से येल्लो कलर का ये सर्कल बनकर कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने दस चेन इसीलिए ली है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक पत्ती को बनाने के लिए दो चेन यूज़ में आएंगी तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सबसे पहले हम अपना कलर यहाँ पर ऐड करेंगे जो भी आप कलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो एक कलर आप लाइट लेना और एक कलर उसी का मैचिंग का डार्क लेना है आपको तो यहाँ पर देखिए हमने कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद एक दो दो की चेन लेंगे और इसी चेन के अंदर जो है तीन बार डबल करोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर एक तो हमारी देखिए तीन की चेन थी और एक हमने बनाई ये हो गई दो उसके बाद फिर एक बार और डबल रोशिया बनाएंगे तो ये हो गई तीन तो जैसा मैंने कहा दो चेन यूज़ होगी हमारी पत्ती बनाने के लिए तो अब हम जो है सेकेंड वाली चेन में देखिए एक चेन में बनाया फिर सेकेंड वाली चेन को पिक करेंगे और उसमें फिर से डबल रोशिया बनाएंगे एक दो तो यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया आपको बनाना है दो चेन के अंदर ये बनाना है टोटल सिक्स टाइम यानी छः बार बनाना है तो तीन बार हमने इसमें बनाया दो बार हमने इसमें बनाया लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो हम एक दो तीन इस तरह से तीन की चेन बनाएंगे और उसको सिंगल करोशिये से उसी चेन के अंदर सेकंड वाली चेन में कनेक्ट करते हुए बनाएंगे तो इससे हमारी ये जो पत्ती होगी बिल्कुल क्लियर इस तरह से बनकर कंप्लीट होगी देखिए और उसके बाद आगे वाली जो थर्ड नंबर की चेन होगी फिर वहाँ पर हम इसी तरह से सिंगल की रोशिए से पहले कनेक्ट करेंगे एक दो, दो की चेन लेंगे और जैसे मैंने आपको बताया वही तीन बार डबल की रोशिया बनाएंगे तो देखिए एक चेन थी और एक हमने बनाया ये हो गए दो तीन तो तीन बार हमने एक चेन में बना लिया अब नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे फिर तीन बार डबल की रोशिया बनाना है तो एक बार बनाया दो बार बनाया और उसके बाद जैसा मैंने कहा लास्ट वाली जो हम डबल की करोशी की चेन बनाएंगे वो हम इस तरह से तीन की चेन बनाएंगे और सिंगल की करोशिए से कनेक्ट करते हुए बनाएंगे तो ये दो पत्तियां हमारी बन गई इस फ्लावर की फिर हम अपनी आगे वाली चेन के अंदर वापस सिंगल की करोशिए से कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से पूरे फ्लावर के अंदर हमारी टोटल पाँच पत्तियाँ क्योंकि हमने दस बार हाफ डबल की करोशियाँ बनाया तो पाँच पत्तियाँ बनेंगी तो इसी तरह से बनाते हुए आप अपने इस फ्लावर को कम्प्लीट करें तो यहाँ पर देखिए हमारी पाँचों पत्तियाँ बनकर इस तरह से जो है कम्प्लीट हो गई हैं फ्लावर की और जब ये कम्प्लीट हो जाएंगी तो लास्ट हम क्या करेंगे जो हमने फर्स्ट वाली देखिए पत्ती बनाई थी वहीं नीचे जब हमारी फर्स्ट चेन थी वहाँ पर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे और अपने इस धागे को कट कर देंगे तो इसी तरह से जो है आपको अपने इस फ्लावर को कंप्लीट करना है तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर इस तरह से जो है इस ग्रीन पार्ट के अंदर जो हमने बनाया है उसके अंदर इस तरह से बनाकर कंप्लीट करना होगा और अब हम जो है इस फ्लावर को कंट्रास्ट देंगे तो मैंने जैसा कहा कि आप इसी से जैसे पिंक के ही कलर ले रही हूँ मैं यहाँ पर पिंक का इस तरह से डार्क और आप जो भी चाहे मैचिंग ले सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ कहीं से भी स्टार्ट लें तो देखिए जहाँ पर नीचे हमारा ये तीन की चेन बननी स्टार्ट होती है वहाँ नीचे से हम अपने इस कलर को सबसे पहले तो ऐड करेंगे इस तरह से एक दो तीन तीन की चेन लेंगे और तीन की चेन लेने के बाद तो ये देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन होगी जो हम फर्स्ट चेन बनाते हैं वहाँ पर उसकी थर्ड चेन के अंदर से पिक करते हुए इस तरह से डबल करोशिया बनाना है सिंपल आपको देखिए धागे को लेंगे और हर चैन को हमें पिक करना है देखिए आगे वाली चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर आगे वाली चेन को लेंगे डबल करोशिया बनाएंगे यानी हमने यहाँ पर जो है छः डबल करोशिए की चेन बनाई है तो उन हर चेन को हमें पिक करना है और डबल क्रोशिया बनाना है तो ये हमारी देखिए लास्ट वाली चेन आ गई है इसके अंदर भी हम इसी तरह से देखिए डालेंगे करोशिए को धागे को निकालेंगे देखिए तीन है पहले दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे इसको डबल क्रोशिया कहते हैं एक दो तीन लास्ट में फिर हम तीन की चेन लेंगे स्टार्ट भी हमें तीन की चेन लेकर ही करना है और एंड भी हमें तीन की चेन लेकर ही करना है जिससे कि हमारी एक एक पत्ती बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट हो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर और जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करते हैं लास्ट वाली चेन को उसी चेन के अंदर वापिस हम इसको सिंगल करोशिए से कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरह से जैसा मैंने कहा फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए तो ये देखिए एक पत्ती हमारी इस तरह से बनकर आएगी उसके बाद कनेक्ट करने के बाद फिर हमें वही करना है एक दो तीन तीन की चेन लेंगे और उसके बाद फिर वही करेंगे जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है उसके ऊपर वाली चेन में यानी थर्ड वाली चेन में देखिए धागे को निकालेंगे इस तरह से और डबल की करोशिया बनाएंगे सिंपल इस तरह से फिर आगे की सभी चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो सारी पत्तियों को आपको इसी तरह से जो है बनाकर कंप्लीट करना है पांच पत्ती हैं पांच ही पांच पत्तियों को आपको ऐसे ही बनाना है देखिए लास्ट वाली हमारी चेन आ गई है तो ऊपर की तरफ वापस हम इसको यहाँ पर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे और जैसा मैंने कहा एंड भी हम एक दो तीन तीन की चेन बनाएंगे और जहां पर हम सिंगल की रोशिए से कनेक्ट करते हैं उसी चेन के अंदर सिंगल रोशिए से वापस कनेक्ट करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारी फ्लावर की दो पत्तियां बनकर कंप्लीट हो गई और कितनी खूबसूरत लग रही है आपको नज़र ही आ रही है उसके बाद फिर वही तरीका रहेगा एक दो तीन की चेन लेंगे फिर हम जो है धागे को लेंगे और अपनी जो फर्स्ट चेन होगी उसके थर्ड चेन को पिक करते हुए डबल की रोशिया बनाएंगे तो आपको सभी पत्तियों के अंदर इसी तरह से बनाते हुए अपने इस फ्लावर को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाते हुए हमारा ये फ्लावर जो है कंप्लीट हो जाता है पांचों की पांचों पत्तियों के अंदर हमने इस तरह से सेकंड कलर से भी जो है इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया है अब फिर हमारा नेक्स्ट वी है इसके अंदर भी हम इसी तरह से येलो कलर से पहले दस बार हाफ डबल की करोशिया बनाएंगे फिर पिंक कलर से अपनी पत्तियाँ बनाएंगे और फिर पर्पल कलर से कंट्रास्ट देकर जो है इसको कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही हमने जो एक एक वी बनाया है नीचे उसके अंदर फ्लावर बनाया है तो तरीका यही रहेगा अपने इन सभी पार्ट के अंदर सेम इसी तरीके से जो है पूरी ड्रेस के अंदर फ्लावर बनाकर आप इसको कम्प्लीट करें तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ड्रेस है वो पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है सारे फ्लावर हमने बनाकर कंप्लीट कर, कर लिए हैं तो इस तरह से जो है आप इस ड्रेस को बहुत ही आसानी से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको लड्डू गोपाल की जो ड्रेस का डिज़ाइन हमने आज की वीडियो में बनाकर कंप्लीट किया है ये ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ और डिज़ाइन जो है कैसे लगते हैं और जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस और डिज़ाइन देखने के लिए और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी लास्ट में एक बार दोबारा से अगर आपने okay. स्टार्टिंग में नहीं देखा है कि अगर आप इसकी मैचिंग की जो है पगड़ी बनाना चाहते हैं क्योंकि अगर मेरी तबीयत ठीक रही जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है अगर मैं ठीक हो गई तो मैं जल्दी ही इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी स्मॉल साइज़ के अंदर तो उसके अंदर मैं दिखा दूंगी कि मैंने इसकी पगड़ी कैसे बनाकर कंप्लीट करी है नहीं तो आप क्या करें मैंने जो है पगड़ी का बेस कैसे बनाना है इसकी सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड करी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आ, वहाँ पर लिखा होगा कि किसी भी साइज़ में जो है पगड़ी का बेस कैसे बनाकर कंप्लीट करें तो उसको देखकर जो है आप इजीली इन कलर का यूज़ करते हुए यानी जो भी कलर के आपने फ्लावर बनाकर यूज़ किए हैं अपनी ड्रेस में आ, उनका यूज़ करते हुए उस पगड़ी को बनाकर कंप्लीट कर, कर लें और डेकोरेशन बिल्कुल ऑप्शनल होती है आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं और इस ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी बनाकर कंप्लीट कर, कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस का ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा